हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू गेमप्ले ऑफ WWE 2K23। तो आज का फाइट होने वाला है टीम रोमन वर्सेस टीम अंडरटेकर के साथ। अंडरटेकर ने यहाँ पे गोल्डन एरा का सबसे खतरनाक सुपरस्टार को अपने टीममेट में लिया, जो कि है गोल्डबर्ग। तो काफी खतरनाक और दमदार मैचेस दिखने मिलने वाला, तो इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक मार दो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आप लोग इस तरह का। और यहाँ पे दोनों ही सुपरस्टार रेडी, और ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर आया है स्टार्ट करने। और ब्रॉक लेसनर का आते ही F5 से शुरुआत होते हुए क्या ही खतरनाक स्टार्ट किया गया है टीम रोमन की तरफ से। यहाँ पे आते ही F5 से शुरुआत, यहाँ पे एक और F5 लगेगा क्या? एक और F5 सीधा सीधी फेस पे लगने वाला। अंडरटेकर रिवर्सल तो करेगा ही, क्योंकि अगर दूसरा F5 खा जाता तो अंडरटेकर मेरे को लगता है आते ही एलिमिनेट हो जाता, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर हो सकती थी टीम रोमन को जीतने के लिए। और यहाँ पे फेस प्लैश वापस से लगते हुए अंडरटेकर अब आ चुका है फॉर्म में, लगता है टॉम स्टोन के लिए जाएगा। अगर टॉम स्टोन लगता है ब्रॉक लेसनर को, थोड़ा सा सीन हो सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास अभी एक भी फिनिशर बचा नहीं है, एक ही फिनिशर लास्ट बचा, क्योंकि दोनों फिनिशर यूज किया। एक फिनिशर सही जगह लगा था पर दूसरा फिनिशर रिवर्सल हो गया, पर अंडरटेकर के पास यहाँ पे 3-on-3 फिनिशर लगा है। और यहाँ पे पहला फिनिशर सही मूवमेंट पे लगते हुए यहाँ पे पहला टॉम स्टोन सीधा सीधी लगा दिया है ब्रॉक लेसनर को। और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर टॉम स्टोन का आते हुए, अगर दूसरा टॉम स्टोन के लिए जाना चाहेगा तो ब्रॉक लेसनर शायद एलिमिनेट हो सकता है। पर यहाँ पे सबमिशन लगा है, रोमन रिंग्स भी नहीं है सपोर्ट के लिए, शायद सबमिशन पिन आउट नहीं करना चाहिए। अगर ब्रॉक लेसनर पिन आउट कर दे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो सकता है, डोमिनेटिंग सिचुएशन। नहीं नहीं, बच गया। मेरे को तो लग रहा था ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर का हेल्थ जैसे ही डाउन हो रहा था काफ़ी खतरनाक ही सबमिशन लगा था, क्योंकि टॉम स्टोन के बाद सीधा सबमिशन था, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। पर यहाँ पे ब्रॉक लेसनर उस मुश्किल को अपने मुश्किल में डालेगा और बीस्ट मोड पे वापस से आते हुए ब्रॉक लेसनर पहला फिनिशर मूव बचा था लास्ट, और वो भी फिनिशर मूव सही जगह इस्तेमाल कर चुका है। अंडरटेकर को लगा दिया एक और फिनिशर मूव, अब अंडरटेकर का गेम डाउन हो चुका है। अब ब्रॉक लेसनर को अब इस सिचुएशन में टैग दे देना चाहिए, क्योंकि टैग नहीं देगा तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिनिशर मूव तो नहीं है पर हेल्थ भी नहीं है, तो दोनों सिचुएशन में दोनों ही में डोमिनेट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे यार हाई रिंग फ्लाइंग मूव था, पर यहाँ पे सही स्ट्रैटेजी वही रहेगा, एडवांटेज वही ले पाएगा कि वो टैग दे दे, क्योंकि रोमन रिंग्स आते ही तीन तीन फिनिशर उसके पास रहेगा, तो शायद वो काउंट डाउन करके एलिमिनेट कर सकता है। पर यहाँ पे पीछे से सबमिशन था, गोल्डबर्ग आके बीच में इंटरफेरेंस करेगा, और यहाँ पे गोल्डबर्ग और रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ का फाइट चलते हुए यहाँ पे रोमन रिंग्स लगता है अटैक दे देगा, और यहाँ पे सक्सेसफुली टैग मिल चुका है ब्रॉक लेसनर को। ब्रॉक लेसनर को टैग दे के सही किया, क्योंकि रोमन रिंग्स के पास थोड़ा सा हेल्थ डैमेज था, वो उस सिचुएशन में फाइट नहीं कर सकता था। पर ब्रॉक लेसनर के भी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, और यहाँ पे इसी मुश्किल का बात हो रहा था, और यहाँ पे जैक हैमर सही जगह पे लगते हुए, और शायद ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट होगा। और हाँ, यहाँ पे होते हुए ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट, क्योंकि भाई साहब ये सिचुएशन हैंडल नहीं होने वाला था, क्योंकि रोमन रिंग्स अगर टैग नहीं देता तो शायद रोमन रिंग्स एलिमिनेट हो सकता, पर मेरे को कम ही चांसेस लग रहा था कि रोमन रिंग्स एलिमिनेट होगा, क्योंकि उसके पास थोड़ा सा हेल्थ था ना मुताबिक ब्रॉक लेसनर के पास, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के पास उससे ज़्यादा ही कम हेल्थ था। पता नहीं ब्रॉक लेसनर को किया अटैक क्यों ही दिया रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ, पर कोई ना, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर हो चुका है एलिमिनेट। तो अब पूरा गेम आ चुका है रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के पास, और यहाँ पे गोल्डबर्ग को भी टैग मिल चुका है, और गोल्डबर्ग यहाँ पे अपना फिनिशर लगाते हुए यहाँ पे रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ को चैक हैमर वापस से लगते हुए गोल्डबर्ग का सारा फिनिशर काउंटडाउन हो चुका है, पर रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ के पास एक फिनिशर बचा है, तो देखना होगा किस तरीके से रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ कम बैक करता है। और यहाँ पे कम बैक ही बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि एक स्पेयर में सीधा एलिमिनेट, गोल्डबर्ग हो चुका है एलिमिनेट। यहाँ पे अब सिचुएशन हो चुका है 1v1, अब तो रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ इजिली संभाल सकता है इस मैच को, क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार खतरनाक था, और गोल्डबर्ग को एलिमिनेट करके थोड़ा सा सिचुएशन अपने हैंड ऑल में ले चुका है, तो देखना होगा। और यहाँ पे अंडरटेकर चोक स्लैम के लिए ट्राई कर रहा था, पर रोमन रिंग्स ट्रैवल शेफ चोक स्लैम का मोमेंटम को बिगाड़ते हुए यहाँ पे रोमन रिंग्स को पड़ा है स्प्लैश मूव। रोमन रिंग्स के पास इस सिचुएशन में कुछ ही एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उसके पास ना फिनिशर मूव है ना सिग्नेचर मूव है,
बस एक चीज का एडवांटेज वो है कि अगर वो गॉड मोड पे आ जाता है तो फिर उसको अंडरटेकर क्या ही रोक पाएगा। पर वो गॉड मोड के लिए आने के लिए रोमन रीन्स को कमबैक दिखाना पड़ेगा, और अगर एक भी कमबैक नहीं दिखता, अगर अंडरटेकर कमबैक से पहले फिनिशर मूव अगर इंप्लीमेंट कर देता है, अगर लगा देता है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि टीम रोमन इस मैच को फिर हार जाएगा। पर मेरे ख्याल से लगता नहीं क्योंकि टीम रोमन हारेगा इस मैच को, जिस हिसाब से अंडरटेकर फॉर्म में है। और यहाँ पे एक और टॉम स्टोन का ट्राई था भाई साहब, दो दो बार रोमन स्टाइल से बचा है दम, एक बार में तो चोक स्लैम लगा था और दूसरा बार में टॉम स्टोन दूसरा बार ट्राई हुआ था पर बच गया, क्योंकि अंडरटेकर ट्राई करेगा ही ट्राई करेगा क्योंकि उसके पास दो दो फिनिशर है। पर कोई ना कमबैक आ चुका है, रोमन स्टाइल के पास भी एक फिनिशर आ चुका है इस फाइट के बाद, तो रोमन देखना होगा स्पेयर लगाता तो शायद एंड होगा। और यहाँ पे क्या ही मुक्का से गेम को एंड करते हुए, क्योंकि टॉम स्टोन के लिए वापस से ट्राई ऑन होने वाला था अंडरटेकर से, अंडरटेकर ने वापस से टॉम स्टोन लगा। मेरे ख्याल से इस मैच में ज़्यादा टॉम स्टोन नहीं लग पाया क्योंकि अंडरटेकर को सिचुएशन में हैंडल करने का मिला ही नहीं, वो एक भी फिनिशर शायद दो तीन फिनिशर ही लगा पाया, पर गोल्डबर्ग अपना पूरा फुल ऑन फिनिशर का यूज़ किया, ये तो मानना पड़ेगा गोल्डबर्ग सारा फिनिशर यूज़ करके गया। पर अंडरटेकर के लिए थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो फिनिशर सारा यूज़ नहीं कर पाया, उसका सारा फिनिशर का कोशिश तो किया पर फिनिशर रिवर्सल हो गया, तो ये तो मैच बहुत ही खतरनाक ही मैच था। और नेक्स्ट मैच अगर किसको करना है तो कमेंट सेक्शन में बता दिए किस टाइप का मैचेस करना है किसके लिए। और यहाँ तक देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो को लाइक मार दिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दिए ताकि आप लोग इस तरह का मज़ेदार वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।